अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और इस वीडियो में नई शिक्षक भर्ती की बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, क्या खबर आ रही है? परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। ये वैकेंसी दोस्तों एक बार फिर से अगर नए सिरे से ठीक है कंप्लीट की जाएगी तो क्या बीएड बाहर हो जाएगा? बीपीएससी टीआरई 1 एग्जाम के बाद बीएड बाहर हुआ था। आपको बता दें बिहार वैकेंसी के बारे में, अगर आप लोग को जानकारी है कि नहीं। जी हाँ, जब वैकेंसी का एग्जाम होता है सुपर टेट का, जो भी आपका ये टीआरई 1 का, तो उसमें बीटीसी या डीएलएड और बीएड दोनों छात्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, रिजल्ट से पहले रोक लग जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और बीएड छात्रों को बाहर किया जाता है। तो सोचिए, एग्जाम देने के बाद भी इस वैकेंसी से बीएड के छात्र बाहर हुए थे। तो अब क्या जब नए सिरे से एक सूची बनाई जाएगी तो क्या फिर से एक बार देखा जाएगा कि बच्चा डीएलएड का है कि बीएड का है? ठीक है ना, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और नई भर्ती की बात हो गई है तो यहाँ पर सिर्फ डीएलएड या बीटीसी के बच्चे अब नई वैकेंसी में सम्मिलित होंगे। शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, प्रदेश भर से जुटे अभ्यर्थी, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 से ज्यादा ओबीसी युवा हुए थे चयनित। ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए थे सिर्फ 18,000 पद। भाजपा शासन में मिली 38.41% हिस्सेदारी। ठीक है, क्या मामला है? देखिए दोस्तों, बच्चे अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट ला रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। एक और बात, उस समय जब वैकेंसी हुई थी तो राहुल उपाध्याय ओबीसी से ठीक है अभ्यर्थी के रूप में पास हुए थे, या अर्चना तिवारी भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में हुई थी उत्तीर्ण। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे लोग अगर उत्तीर्ण होते हैं तो इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होती है। अभी बिहार में आपको बता दें क्या हुआ, कुछ बच्चे थे 1-5 में आप देख सकते हैं, जैसे पहला नाम आप यहाँ पर देखिए चंदन कुमार जी, टेट में अनुत्तीर्ण थे, बीएड योग्यताधारी मुकेश सर, ये सब लोग बाहर हो गए। बहुत से बच्चे हैं जिनको बाहर किया गया प्राथमिक उर्दू में, सामान्य में। अगर आप गलत सर्टिफिकेट, गलत रिजल्ट कुछ भी लगाएंगे तो आज नहीं तो कल जब चेक होगा तो आप बाहर हो सकते हैं। लेकिन इन बीच में भी कुछ बच्चों को जुगाड़ अच्छे रहते हैं जो नौकरी करते रहते हैं। उसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर, क्या था घोटाला? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या घोटाला था, इसको हम लोग इस वीडियो में आज फिर से देखेंगे। जी हाँ, काफी लंबे समय के बाद हम 69,000 शिक्षक भर्ती की कोई वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी बच्चा डीएलएड का है उनमें एक उम्मीद जग गई है, हर एक बच्चे को नौकरी मिल सकती है। क्या किसी बच्चे की नौकरी जाएगी? अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से, क्या उनकी नौकरी जा सकती है? या जो बच्चे अभी तक नौकरी नहीं पाए थे 69,000 में, क्या उनको अब नौकरी मिल सकती है? सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। 50.50 अनरिजर्व और 49.50% रिजर्व सीट होती है। 50% की खुली सीटों पर अनारक्षित कटा 67.11 से ऊपर लगभग 28,000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हो रहे थे, लेकिन वहां पर मात्र 13,007 ओबीसी अभ्यर्थियों को ओवरलैप सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद ओबीसी का कोटा 27% 18,598 में मात्र 2,637 ओबीसी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया, जबकि सरकार और सरकार के चहेते मंत्री अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि 27% 18,598 ओबीसी कोटा की जगह 31,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन किया। अभी भी गुमराह कर दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। सरकार ने भर्ती में घोटाले की बात तो मान ली, लेकिन आरक्षित वर्ग के 6,000 कैंडिडेट को नौकरी देकर लिपापोती कर रही है, जबकि चोरी 18,000 पदों पर हुई है। तो सरकार ने इस भर्ती घोटाले को सिर्फ विसंगति माना है, जबकि यह आरक्षित पदों के चोरी की सुनियोजित साजिश है। सरकार साजिशकर्ताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन अगर एक बार नए सिरे से ठीक है सूची बनती है तो डेफिनेटली वो बच्चे नौकरी पाने वाले हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर नए सिरे से फिर से सूची बनाई जाएगी तो नए बच्चे सिलेक्टेड होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। पुलिस भर्ती में 5,00,000 से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर चलिए पूरी अपडेट को हम देखते हैं।
राज्य के प्रसिद्ध स्कूलों में नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री की स्पष्ट आदेश ने 85,000 से अधिक खाली पड़े पदों पर भी नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। 4 साल से टेट पास लाखों अभ्यर्थियों को ठप पड़ी सुपर टेट परीक्षा का इंतजार है। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 2017 से अब तक 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाई कोर्ट में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में मतलब आरक्षण संबंधी विवाद पर कानूनी दाव पेश फंसने के बाद नियुक्तियां रुक गई थी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के मुताबिक स्कूलों में कुल 4,17,886 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। वे अंशकालिक अनुदेशक शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिलाकर वर्तमान में 6,28,915 शिक्षकों का दावा करते हुए बेसिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनुपात होने से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं मानते हैं। मगर अब हाई कोर्ट में विवाद खत्म होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के अटकलों को खारिज करने के बाद काम चलाओ व्यवस्था की जगह नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए यूपी टेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों को सुपर टेट परीक्षा देनी होगी। राज्य सरकार नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीएड करने वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखेगी। यानी बीएड करने वाले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, सिर्फ ठीक है बीएसटीसी बीटीसी डीएलएड करने वाले ही प्राइमरी स्कूलों में टीचर बन पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों, कर्जदार शिक्षकों पर बैंकों की टेढ़ी नज़र। लखनऊ से अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट को लेकर कर्जदार शिक्षकों पर बैंकों की टेढ़ी नज़र शुरू हो गई है। बांदा के जिला सहकारी बैंक के सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी शाखा प्रबंधकों को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में मिल रही जानकारी का संज्ञान लेकर ऐसे शिक्षकों के खाते का परीक्षण करें बैंक के धन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वसूली की कार्रवाई को ओडी लिमिट व व्यक्तिगत लोन का भुगतान ना करें। देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है, मतलब सोचिए आपकी एक समय नौकरी लग जाएगी, उसके बाद अगर नौकरी जाएगी ना बहुत ही बुरा लगता है किसी भी बच्चे की तरह। ठीक है, या तो नौकरी ना मिले और मिल जाए तो नौकरी जानी नहीं चाहिए। बताइए कोई टीचर 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 साल से, अब उनकी नौकरी जाएगी। ठीक है, तो ये सब बात है, गलती कोई अधिकारी करता है, सजा बच्चों को मिलती है, यही सबसे बुरी बात है अपने यहाँ। ठीक है, गलती जो कर रहा है उसका नाम अभी तक शामिल नहीं है। बताइए आप सोचिए, इतने समय की वैकेंसी 2019 में आपने एग्जाम दिया था 6 जनवरी को, ठीक है उसका रिजल्ट है, लेकिन आज तक दोषियों को नहीं पता चला किन्होंने गलत सूची बनाई। किसी की तो जवाबदेही तय करनी चाहिए ना कि भैया ये है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसी ने फीडिंग की है, सब कुछ ये किया है, कोई तो करे, या उनको सामने लाए थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया था, उनको तो पकड़े, किसी को तो पकड़ना चाहिए, कोई अभी तक नहीं पकड़ा गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। हजारों बच्चे के भविष्य का सवाल है, बताइए 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची आती है, क्या होगा जल्दी दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आप लोग नजर बनाए रखिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आपको बता दें, नए सूची में ओबीसी और एससी कैटेगरी के और स्पेशली डीएलएड छात्रों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। बीएड छात्रों के साथ क्या होगा इसके लिए हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में हमने देख लिया था कि अभी अगर नए सिरे से पूरा होगा ना प्रोसेस, तो बीएड छात्रों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।